प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 8 फरवरी को हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट होने वाला था। कई बार हमारा आपका डेट रांगली होके आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस बार हमें आपको आशा नहीं था। पूर्ण विश्वास था कि 8 फरवरी को हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट होगा, लेकिन हमारा आपका दुर्भाग्य, इस बार भी हमारा आपका डेट रांगली होके आगे बढ़ गया और मार्च में डेट शो करने लगे। इसका मेन कारण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजे के द्वारा कोविड के वजह से जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसी वजह से हमारा आपका डेट रांगली होके आगे बढ़ा। लेकिन क्या पता कि मार्च में कोविड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाए, अप्रैल में चला जाए और यही स्थिति अप्रैल में भी हो जाए, तो कंटिन्यू जो डेट हमारा आपका आगे बढ़ता रहा, तो कई वर्ष लग जाएंगे इस भर्ती को पूरा होने और हम आप परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इसी को लेके जब से हमारा आपका डेट रांगली हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 4 टीमें कार्य कर रही हैं। वीर बहादुर जी, विकास जी शामली के, विपुल मलिक जी और मैं खुद एक दूसरे से वार्ता हो रहा था मेंशन को लेके, जिससे जल्द से जल्द एक डेट निश्चित हो फाइनल आर्गुमेंट का, और हमारा आपका जो जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए हैं, शरण लिए हैं, सबका भविष्य का फैसला हो सके और सबको वर्दी मिल सके, इसी उद्देश्य पे लगातार चर्चा हो रहा है कि जल्द से जल्द एक डेट निश्चित हो। और लगभग 7:30 बजे आज सबके सहमति से डिसीजन लिया गया है कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आइए दाखिल हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन मेंशन के लिए, और मेंशन में लगभग 3 से 4 दिन का पूरा समय लगेगा डेट फिक्स होने में। और माता रानी का कृपा रहा तो जरूर बहुत जल्द हम लोगों का डेट एक निश्चित होगा फाइनल आर्गुमेंट। कल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा, मेंशन को लेके एप्लीकेशन दाखिल होगा। इस मेंशन में लगभग 40 से 50 हजार का खर्चा रहा है, जिसमें चारों टीमें लगभग 10-10 हजार 12-12 हजार जो भी पड़ेगा हर टीम पे, वो कल पेड करेंगे। सहमति से मेंशन प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो जाएगा। चारों टीमों का सहमति बन चुका है, जिसमें विपुल मलिक भी 1/4 हिस्सा पेड करेंगे, विकास शामली 49 हजार के लीडर और वीर बहादुर जी और मैं खुद जो भी मेरा 1/4 हिस्सा पड़ेगा कल पेड किया जाएगा, जिसमें 40 से 50 हजार का खर्च आ सकता है। ये रहा मेंशन को लेके, कल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा और बहुत जल्द हम सफल रहे, एक डेट निश्चित हो जाएगा फाइनल आर्गुमेंट। जो डेट निश्चित होगा दोनों पक्षों के सहमति से, मतलब स्टेट के तरफ से जो एवार रहेंगे और हमारे तरफ से जो एवार रहेंगे, दोनों पक्षों के सहमति से जज साहब एक डेट निश्चित करेंगे। उस डेट में फाइनल आर्गुमेंट होना कन्फर्म है, वो डेट रांगली होके आगे नहीं बढ़े। अब दूसरे विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। डेट फिक्स होने के बाद हमें आपको सीनियर अधिवक्ता का जरूरत पड़ेगा फाइनल आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई डेट नहीं पड़ेगा। वो डेट हमारे आपके लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए फैसला का डेट रहेगा। प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जुड़े हैं, सबके भविष्य का फैसला होने वाला रहने वाला
इसलिए हमें उस दिन बड़े से बड़े अधिवक्ता का चयन करके आर्गुमेंट कराना ही होगा। और मुझे आशा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो चारों टीमों कार्य कर रहे हैं अपने अपने तरफ से बेस्ट करने का कोशिश करेंगे और चारों टीमें सबसे बेहतर बेहतर अधिवक्ता उस दिन आर्गुमेंट के लिए खड़ा कर। अब मेरे टीम के तरफ से लगभग 162,000 खाता में प्रेजेंट टाइम है, जिसमें 30,000 पहले था, 132 अभ्यर्थियों ने पैसा पेड किया। पहले दिन लगभग जो पैसा आया था उसके बाद दूसरे दिन पैसा आना बंद हो गया। उसका मेन कारण था कि डेट रांगली होके आगे बढ़ और पैसे के लिए हमने किसी भाई से कहा भी, लेकिन मेंशन का प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा है। एक डेट निश्चित होगा फाइनल आर्गुमेंट का और उस दिन फाइनल आर्गुमेंट होगा। उसके लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि 24 से 48 घंटा में 10 से 12 लाख 15 लाख का आप इंतजाम नहीं कर सकते। इसके लिए कल से ही पूरी ईमानदारी से, क्योंकि अभी सिर्फ 5% अभ्यर्थी ने पैसा दिया है, 95% लोग पैसा नहीं दिए हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, हम दिमाग लगा लेंगे, मेरे भाई बूथ बूथ से घड़ा भरता है, कहीं आपके ना देने से बड़ा अधिवक्ता फाइनल आर्गुमेंट में ना हायर कर पाए हम, तो आपके गलती से पूरा भविष्य सबका चौपट हो जाएगा और आपका खुद हो जाएगा। तो 1,000 के लिए, क्योंकि अभी तक हमने किसी से दोबारा तिवारा नहीं मांगा है, सिर्फ जब याचिका दाखिल करवाना था तभी आपसे लिया गया था। चाहे आप 1,000 दिए, चाहे आप 1,500 दिए, चाहे आप 500 दिए, आपका करवा दिया गया। जब दोबारा 600-700 मांगा गया था, बहुत सीमित अभ्यर्थी थे, मतलब अभी तक टोटल कोई 2,000 दिया होगा, कोई 1,000 दिया होगा, कोई 1,500 दिया होगा, कोई 1,000, इससे ज्यादा कोई दिया नहीं। जो हुआ उसे हमें आपको भूल के जो फाइनल आर्गुमेंट में भारत के सबसे टॉप क्लास के अधिवक्ता को एंगेज करना है, सबको 100% योगदान देना ही होगा। या तो इस योगदान में आप हिल्ला हवाली करते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ स्वयं खिलवाड़ कर। मैं आपसे बार बार ना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ना तो पैसे के लिए फोन कर सकता हूँ, ना बार बार मैसेज कर सकता हूँ। ये आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ, कल से मेंशन का प्रक्रिया प्रारंभ होगा और कल से 2 दिन 4 दिन 6 दिन में जैसे जिसके पास व्यवस्था हो रहा है तत्काल आप अकाउंट में पैसा पेड कीजिए। कल सुबह एक बार पुनः अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको पुनः एक बार PDF फाइल भी हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस PDF फाइल में जिस सीरियल नंबर पे आपका नाम होगा, उस सीरियल नंबर प्लस अपना नाम, पिता का नाम, 60 स्क्रीन या फोटो खींच के पैसा पेड करने के बाद व्हाट्सएप पे आप भेजो पर्सनल मेरे। कल ये प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो जाएगा और मुझे आशा है कि कल से आप लोग सहयोग देना प्रारंभ कर दीजिए। 3 से 4 दिन 5 दिन में जितने भी संघर्ष टीम से जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी 1700 से अधिक, सभी लोग पैसा इस बार सहयोग करिए, जिससे बड़े से बड़े अधिवक्ता फाइनल आर्गुमेंट में किया जा सके और हमारे आपका भविष्य का फैसला हो वो सकारात्मक हो। प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो, सबको वर्दी। बस बस बस, बाकी आप समझदार हैं, आपको बार बार पैसे के लिए कहना उचित भी नहीं। तो इस बार सबको देना है और कल से प्रारंभ कर दीजिए। जो 5% अभ्यर्थी दे चुके हैं उनका लिस्ट में नाम टिक लगा दिया गया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी के 95% अभ्यर्थी कल से देना प्रारंभ कर दें। कल आपको PDF फाइल और प्लस अकाउंट नंबर सुबह प्रोवाइड कर दिया और
पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी टीमें कार्य कर रहे हैं, मेरा आशा है कि आप लोग अपनी अपनी टीमों को पूरी ताकत के साथ सहयोग करिए, जिससे इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर हो सके और क्लियर हो तो सकारात्मक रिजल्ट आए और सबको वर्दी मिल सके, चाहे वो 2015 का हो चाहे वो 2018 ये भी। सबको अपनी मजबूती के साथ इस बार आर्गुमेंट कराना है जिससे 100% सफलता मिले। कल से मेंशन का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। हर मेंशन के बाद भी कई विषय पे बात हुई है, आर्गुमेंट को लेकर, फाइनल आर्गुमेंट को लेकर, और सभी सभी ग्रुप के एडमिन मतलब लीडरों का सहमति बन चुका है। तो आगे जो भी कार्य किया जाएगा बेहतर तरीके से सहमति के साथ कार्य किया जाएगा, लेकिन आप लोग अपना कार्य कीजिए और कल से अपना पैसा पेट करना प्रारंभ कीजिए, जिससे जल्द से जल्द पैसा आए और जैसे ही फाइनल एक डेट निश्चित होता है उसमें बड़े से बड़े अधिवक्ता को हायर किया जा सके। बाकी आप समझदार हैं, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप खुद समझते हैं। जय 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 जय।